हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे आयरन मैन के बारे में। तो काफी फैंस का कहना है कि आयरन मैन इस मूवी में नहीं है, यानी कि वो डेड हो चुका है। और देन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी जो टाइमलाइन है वो इन्फिनिटी वॉर से पहले की है। देन ये मेरा मानना है, ये मेरी थ्योरी है। तो सबसे पहले कुछ क्लू मिले थे जिसमें कि हैप्पी ने बोला था कि तुम अकेले हो, तुम्हारे पास और कोई नहीं है। तो काफी फैन समझ गए कि शायद आयरन मैन मर चुका है या और कोई एवेंजर्स बचा नहीं है सिर्फ स्पाइडरमैन को छोड़कर। देन दूसरा सबसे बड़ा क्लू मिला एक चेक का जिस पे पेपर का नाम लिख रहा था। तो काफी फैंस का ये भी मानना था कि शायद टोनी स्टार्क अब रहा नहीं है तो उसकी कंपनी का मालिक बन चुकी है पेपर। देन आपको मैं थोड़ा रिमाइंड करवा दूं, आयरन मैन 3 के इवेंट में टोनी स्टार्क जब अपने आर्मर से ज्यादा कनेक्टेड हो गया था तो वो काफी ज्यादा परेशान भी हो गया था। देन इस चीज का सॉल्यूशन निकालते हुए आयरन मैन ने क्लियर ही बोल दिया कि पेपर अब तुम मेरी कंपनी की फाउंडर हो, यानी कि हाफ मालिक, यानी कि आधी कंपनी का मालिक वो है। यानी कि पेपर डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है, देन कहां पर मीटिंग करनी है, देन कैसे सब कुछ चलाना है कंपनी को। तो इसी के जरिए चलते हुए कंपनी की वो मालिक बन चुकी थी, इसलिए पेपर ने टोनी स्टार्क के साथ साथ स्पाइडरमैन को प्रमोट करना चालू कर दिया और देन उसे डोनेट भी करने लग गई। तो इसलिए उस चेक पर पेपर का नाम था। तो इससे कोई क्लियर नहीं हो जाता कि टोनी स्टार्क मरा है या जिंदा। और देन आप पूछ रहे होंगे कि टोनी स्टार्क एक्चुअल में फिर मूवी में है कहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि पूरी मूवी में टोनी स्टार्क होगा, पर उसका जिक्र जरूर होगा। देन पूछ सकते हैं कि टोनी स्टार्क कहाँ पर है या आयरन मैन कहाँ पर है। तो 100% वो अपने प्राइवेट रूम में होगा जहाँ पर वो अपने आर्मर की बनाने की तैयारी कर रहा होगा बड़े युद्ध की। कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो। और कुछ मत मानना, बाय बाय, जा रहा हूं।